हेलो फ्यूचर रीडर, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है। तो दिया गया है, इफ अ मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी ऑफ 10⁻⁵ सीमेंस पर मीटर एंड रिलेटिव परमिटिविटी εr इक्वल्स टू 2.25, सो फाइंड कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी व्हाइल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 5 × 10⁻⁶ साइन 9 × 10⁻⁹ टी वोल्ट पर मीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और एकेटीयू में इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें जो चीजें दी गई हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो इसमें गिवन है हमें सिग्मा, सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी की वैल्यू जो कि है 10⁻⁵ सीमेंस पर मीटर। रिलेटिव परमिटिविटी दी गई है एप्सिलॉन आर, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है 2.25, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन कर दिया है एज इट इज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखा कि दो चीजें इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। फर्स्ट है आपका कंडक्शन करंट डेंसिटी और दूसरी हमारी ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो दोनों डेंसिटी का जो डिफ्रेंसिएशन है आपको मालूम भी होगा, हमारे थ्योरी लेक्चर वाले वीडियो में आपने देखा भी होगा इसको। तो कंडक्शन करंट जो होती है उसके लिए हम जानते हैं डेंसिटी को जे से हम लोग डिफाइन करते हैं। कंडक्शन करंट डेंसिटी और करंट का जो रिलेशन है हम कह सकते हैं जे जो होता है वो आई अपॉन ए, यानी कि करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो कंडक्शन करंट की जो डेंसिटी है इसको जे लेटर से शो करते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हमें एरिया और करंट के फॉर्म में ना देकर के वैल्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी के टर्म्स में दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले को याद रखना होगा जो कि है जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जे की वैल्यू निकालने के लिए हमने सिग्मा की वैल्यू लिख दी है यहाँ पे डायरेक्टली 10⁻⁵ इंटू जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एज इट इज पूरा का पूरा वही लिख दिया है 5 × 10⁻⁶ साइन 9 × 10⁹ टी के फॉर्म में। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो पावर 6 और 5 माइनस माइनस किए तो ऐड हो जाएंगी और −11 पावर के साथ ये हमें आंसर कंडक्शन करंट डेंसिटी का यहाँ पे मिल जाएगा। तो याद रखना है कि इसकी यूनिट भी हमें लिखनी होगी, तो इसकी यूनिट इसी से आप बना सकते हैं। कंडक्शन करंट डेंसिटी जे की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होगा मीटर स्क्वायर से हम लोग डिनोट करेंगे और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी की यूनिट जो होगी वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर से दी जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दूसरा टर्म है उसको ध्यान देना है, वो है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अगर आपने मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन का डेरिवेशन किया हुआ है और याद है आपको कि वहां पर आपने ध्यान दिया होगा, तो ये वैल्यू जो होती है डेल क्रॉस एच की जे प्लस डेवर डी बाई डेवर टी के बराबर आती है। यानी कि यहां पर ये जो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ है उसमें कंडक्शन करंट डेंसिटी को ही ऐड किया गया है, तो उसी को हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी को यहाँ पे यूज किया गया है कंडक्शन करंट डेंसिटी के साथ। तो इसी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को हम निकालते हैं, तो हम जानते हैं यहां से इसी क्वेश्चन से कह सकते हैं कि जो जे डी है, जैसे कंडक्शन करंट डेंसिटी को हम जे से शो करते हैं ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को जे डी लेटर से शो किया जाता है। तो जे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जे डी विल बी जे डी इक्वल्स टू डेवर डी बाई डेवर टी। अब यहां पर स्टूडेंट क्योंकि डी तो दिया नहीं गया और डी की वैल्यू ई के टर्म्स में दी गई है, सो वी नो द फॉर्मूला फॉर डी एंड ई रिलेशन, दैट इज फॉर अ मीडियम डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई। तो डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है किसी मीडियम के लिए, अगर कोई मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो यहां पर हम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट का यूज करते, बट मीडियम की वजह से यहाँ पे यूज होगा डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई। इसी तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला, ये एक रेशियो है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो डी की वैल्यू को हमने डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से डेवर बाई डेवर टी, तो डी था डी को हमने लिख लिया एप्सिलॉन ई। एप्सिलॉन ई में भी क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू दी नहीं गई है, हमें वैल्यू दी गई है एप्सिलॉन आर की,
तो हमने इसको एप्सिलॉन को तोड़ दिया एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर के फॉर्म में, जो कि इस फॉर्मूले से लिया गया है। तो फाइनली यानी कि जो जे है हमारा, जे डी कहेंगे इसको, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जे डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डेवर ई बाई डेवर टी। तो आइए इस वैल्यू को यहां पर देखते हैं पुट करने पर हमें क्या मिलता है। तो पुटिंग नाउ ऑल वैल्यूज द वैल्यू ऑफ जे डी विल बी, अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको, एप्सिलॉन नॉट की हमने वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दी है, प्लस एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी जो दी गई है 2.25 वो भी हमने यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दी है, और डेवर बाई डेवर टी और जो हमारी ई की वैल्यू है हमने एज इट इज 5 × 10⁻⁶ साइन 9 × 10⁹ टी के फॉर्म में लिख दिए। तो नाउ बिकॉज यहाँ पे हमें डेवर बाई डेवर टी है तो साइन है, अगर इसको हम अप्लाई कर देंगे ऑपरेटर को अंदर तो ये साइन का फंक्शन हमारा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली हमें जेडी की वैल्यू इसको कैलकुलेट करने के बाद जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.95 × 10⁻⁷ कॉस 9 × 10⁹ टी के फॉर्म में, और इसकी भी यूनिट सेम वही होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इस जे इक्वल टू आई अपॉन ए के तब से भी इसकी वैल्यू यूनिट को लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी पूछी गई हो या कंडक्शन करंट डेंसिटी पूछी गई हो, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को आप अपनी कॉपी पर जरूर कर लें और एक बार प्रैक्टिस कर लें ताकि आपका कंसेप्ट इन दोनों तरीके के जो वैल्यूज हैं इनको निकालने को लेकर के क्लियर रहे। तो हम जल्दी मिलते हैं अपनी न्यूमेरिकल सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।